वालेकुम उम्मीद है आप खैरियत से होंगे मैंने अपना चैनल आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए बनाया है अब आप ये सोच रहे होंगे किस चीज़ की नॉलेज मैं उस चीज़ की नॉलेज आपको दूंगी जिस चीज़ के बारे में आप चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मैं उस चीज़ के मुताबिक आपको वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर, कर दूँगी जो मैंने ये वीडियो बनाई है ये मैंने नॉलेज के अबाउट ही बनाई है नॉलेज क्या है क्यों है किस लिए है हम नॉलेज क्यों हासिल करना पसंद करते हैं आपको पता है नॉलेज हासिल करना हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है आप देख लें आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं आपसे सबसे पहले यही सवाल किया जाता है कि आपको इसके मुताबिक कितनी नॉलेज है आपको एक्सपीरियंस कितना है ठीक है आपको इसके बारे में इल्म कितना है इसके अलावा आपके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं तो आपके जो पार्टनर्स हैं आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं कि बेटा आपने ये बिज़नेस स्टार्ट तो कर लिया है लेकिन क्या आपको इसके मुतिक इसके बारे में नॉलेज है और आप यहीं पर देख लें जब आप किसी भी स्कूल में किसी भी कॉलेज में किसी भी आप किसी भी चीज़ में हिस्सा ले लेते हैं स्पोर्ट्स में ड्राइंग में किसी भी चीज़ में आप हिस्सा लेते हैं तो सबसे पहले टीचर्स आपसे यही सवाल करती हैं क्या आपको इस बारे में नॉलेज था इस चीज़ के मतलब नॉलेज है जो आपने इस कॉम्पटिशन में पार्टिसपेट किया है बताएँ आपको भी नॉलेज हासिल करनी चाहिए और नॉलेज के भागना चाहिए नॉलेज को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए इससे मुतालिक मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ एक क्लास में एक नया लड़का आता है उसकी जहानत को देखकर सब यही सोचते हैं कि वो टॉपर को पीछे छोड़ देगा और ऐसा ही होता है लड़के की पोजीशन टॉपर से ज़्यादा आती है फिर इसके बाद टॉपर को इस बात पे थोड़ा अफ़सोस होता है कि उसकी पोजीशन किसी और ने ले ली जैसे वो हमेशा फर्स्ट आता था इस बार वैसे नहीं आया उसने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए जी जाम लगा मेहनत की और आखिरकार रिज़ल्ट जब आया तो टॉपर ने ही फ़र्स्ट पोजीशन ली थी अब टॉपर पहले लड़, नए लड़के के पास गया उससे कहा तुमने इस बार देखा है कि अब मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई है तो लड़का कहता है नहीं मुबारक हो मैंने अभी तक देखा नहीं लेकिन उसके लिए मुबारक हो और वो कहता है टॉपर लड़के को कहता है क्या कि तुम्हें सच में अफसोस नहीं हो रहा कि तुम्हारे नंबर मुझसे कम आए हैं वो कहते हैं नहीं वो कहता है तो ऐसा क्यों है वो कहता है लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर नॉलेज हासिल करने आता हूँ कॉम्पिटिशन करने नहीं इसे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉलेज हासिल करना कितना ज़रूरी है कि कंपटीशन ज़रूरी नहीं होता नॉलेज हासिल करना ज़रूरी होता है फ़ॉर एग्जांपल मैंने आपको मेरे मतलब कि ये वीडियो बनाने का मतलब ही यही था मकसद ही मेरा यही था कि आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें या कुछ भी स्टार्ट करें किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आप जितना भी उसके अंदर पहले नॉलेज हासिल कर सकते हैं आप वो हासिल करें फिर उसमें करें आप किसी भी कंपटीशन आप कहें कि आप मेरे कज़न ने ये काम स्टार्ट किया है मैं भी ये काम स्टार्ट करता हूँ और उससे आगे बढ़ूँगा आप तब तक उससे आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपकी नॉलेज उससे ज़्यादा नहीं होगी तो जब उसने ये वो ये काम कर रहा है तो ऑफ़िसली उसने इसमें नॉलेज हासिल की है तो वो ये काम कर रहा है ना तो जब तक आपकी नॉलेज उससे ज़्यादा नहीं होगी तब तक आप उससे नहीं आगे बढ़ सकते तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हर काम को स्टार्ट करने से पहले हर काम में आगे बढ़ने से पहले नॉलेज हासिल करें फिर उस काम को अंजाम दें शुक्रिया और वैसे गलतियाँ तो हर इंसान करता है जैसे कि मेरी ये फ़र्स्ट वीडियो है तो इसमें मैंने बहुत सी गलतियाँ की होंगी लेकिन इन से आगे मैं नॉलेज हासिल करूँगी वीडियोस से मुतलिक और आपको बेहतर से बेहतर वीडियोस देने की कोशिश करूँगी शुक्रिया लाइक करें सब्सक्राइब करें